Hello students, welcome to my channel online classes. और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल इसके अंतर्गत अध्याय 9 सौर विकिरण पढ़ रहे थे और इसमें टेम्परेचर से संबंधित भी कुछ चीजें पढ़ रहे थे और तापमान क्या होता है, ताप का विकिरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग ने जानकारी ली थी। और आज हम लोग तापमान की कुछ और भी चीजें बातें पढ़ेंगे क्योंकि इसके लास्ट टर्म में हम लोगों ने तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक पढ़े थे। अब ये जिनके पास लास्ट वीडियो नहीं पहुंचा है वो हमारे पिछले वीडियोस में देख लेंगे। और आज हम लोग बात करते हैं तापमान के वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में बात करेंगे हम यहाँ पे कि तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वो कैसे होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक है तापमान का वितरण। तो सबसे पहले हम लोग जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं कि इस टेम्परेचर में इसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अक्सर मानचित्र में क्या होता है कि समताप रेखाएं दिखाई जाती हैं और समताप रेखाएं क्या होती हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक अलग अलग उसमें जाती हैं और उनका समान तापमान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। यदि उसको एक लाइन में हम बात कहना चाहें तो मानचित्र में जो समान ताप वाले स्थान होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो रेखाएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं, हम समताप रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्षैतिज वितरण कैसे होगा। अब टेम्परेचर का जो क्षैतिज वितरण है इसके लिए यहाँ पे हम लोग के पास एक चित्र बना है और इस चित्र पे आप लोग देखिए गौर करके कि पृथ्वी के ताप कटिबंध बने हैं और जो भी वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ताओं थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी को तीन भागों में बांटा है, तीन कटिबंधों में बांटा है। अब तीन कटिबंध कौन कौन से, नंबर एक में होता है उष्ण कटिबंध। अब ये देखिए भूमध्य रेखा के आसपास का जो ये एरिया दिख रहा है ये आपका कौन सा एरिया है, ये उष्ण कटिबंध का एरिया है। दूसरा भाग कौन सा है जो उष्ण कटिबंध के ऊपर और नीचे की ओर स्थित है, यदि हम इस भाग को देखते हैं और दूसरा भाग हमारा ये वाला भाग, ये आपका दूसरा हिस्सा है जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। और जो तीसरा हिस्सा है ये ध्रुवीय हिस्सा है, उत्तरी ध्रुव का भी हिस्सा और दक्षिणी ध्रुव का भी हिस्सा, ये तीसरा भाग है। तो इस तरह तीन कटिबंधों में बांटा है। अब एक एक करके हम तीनों कटिबंधों के बारे में बात करते हैं और तभी कंफर्म होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉरिड जोन की, उष्ण कटिबंध की बात करेंगे हम लोग। और ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये जो आपकी 0 डिग्री दिखाई दे रही है ये आपकी विषुवत रेखा है और इससे 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण की इन्होंने बात की है। और इसमें जो उत्तर की ओर है वो कर्क रेखा है और जो दक्षिण की ओर है वो मकर रेखा है। सूर्य इसमें 2 बार साल में लंबवत चमकता है, सीधी किरणें पड़ती है और क्रमशः जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में तापमान अधिक पाया जाता है। तो इस तरह ये पहला जोन हो गया उष्ण कटिबंध का। अब जो दूसरा जोन मिलता है वो शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है और ये 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक है, मानचित्र में भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा जोन हमने दिखा है नंबर 2 लिख रहे हैं, ये देखिए ये नंबर 2 का ये है और नंबर 2 का ये है, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिण में, इन अक्षांशों के बीच में ये फैला हुआ होता है ये कटिबंध। और ये शीतोष्ण कटिबंध है, ना ही अधिक गर्मी ना ही अधिक ठंडी, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी इसमें पड़ती हैं और इस तरह ये चलता है, सूर्य का तापक्रम यहाँ कम मिलता है। इसके बाद जो तीसरा जोन हमारा मिलता है ये शीत कटिबंध या
फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है, और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ध्रुव तक की ये कंडीशन हमने आपको दिखा दी, और दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में भी ये ध्रुवीय जो कंडीशन है ये भी हमने यहाँ पे दिखा दी। और इस कटिबंध में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती है और यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है चूंकि मकर रेखा पे, इसलिए शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन भी हो जाता है और दोनों गोलार्थों में 6 महीने की रात होती है। और इस तरह ये क्षैतिज वितरण होता है अलग अलग अक्षांशों में। ये जो ताप कटिबंध से संबंधित हमने चित्र बनाया है, इस चित्र को आप अपनी बुक्स में बना लीजिएगा और अपनी नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बनाना पड़ेगा आपको, और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जो तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन है और क्षैतिज वितरण है, इसको आप कंप्लीट करके नोटबुक में कर लीजिएगा और चेक करा लीजिएगा। जहाँ प्रॉब्लम्स हो वो हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में अपने एक नए टॉपिक में फिर मिलते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले टर्न में एक नए टॉपिक के साथ।